दोस्तों, अगर आज के समय में किसी बूढ़े इंसान को रैप डांस दिखा दिया जाए तो टीवी का फूटना तय है। तो दोस्तों, इसी रैप डांस के बादशाह एमिनेम बादशाह कैसे बने, उनके स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। एमिनेम का असली नाम मार्शल ब्रूस मैथर्स है। एमिनेम के जन्म के समय इनकी माँ महज 17 साल की थी। पिता ने परिवार छोड़ दिया। एमिनेम ने बहुत से पत्र भेजे अपने पिता को, लेकिन इनके पिता ने इसे पढ़ा तक नहीं। इन्होंने 12 साल की उम्र में लिंकन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पर रंग भेद के चलते ब्लैक छात्रों ने इन्हें इतना पीटा कि वे हफ्ते भर तक कोमा में रहे, और ठीक होने के बाद वे अपनी पुरानी आदतों को भूल चुके थे। और इसके बाद उन्हें धीरे धीरे फिर से सब कुछ सीखना पड़ा, और 17 साल की उम्र में इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। रोजी रोटी कमाने के लिए कार की सफाई और रेस्टोरेंट में भी काम किया इन्होंने। 24 साल की उम्र में अपना एक नया एल्बम निकाला, लेकिन ये भी नहीं चला। आत्महत्या भी करने की कोशिश की, क्योंकि बेटी के जन्मदिन पर मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। इसके बाद जल्द ही रैप म्यूजिक में एमिनेम ने पहले से ज्यादा और अधिक गुस्से में वापसी की। 1997 ईस्वी में वह समय आया जब एमिनेम की जिंदगी पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल गई। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो।